जासूसी की जद में था बोस का परिवार। दो दशक तक जासूसी कराती रही नेहरू सरकार। आईबी के दस्तावेजों से आया भूचाल, सियासी गलियों में मचा बवाल। करीब 77 साल बाद दो फाइलों के पन्ने खुले और ऐसा खुलासा हुआ कि हर कोई सन्न रह गया। हालांकि अभी फाइलों के पन्ने खुले हैं, लेकिन सच्चाई की परतें खुलना बाकी है। फिलहाल तो इस खुलासे से मचा है सियासी गलियों में हंगामा। जासूसी की जद में था बोस का परिवार। दो दशक तक जासूसी कराती रही नेहरू सरकार। आईबी के दस्तावेजों से आया भूचाल, सियासी गलियों में मचा बवाल। जी हाँ, इस खुलासे के बाद सियासी गलियों में हंगामा मचा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या सचमुच उस वक्त की नेहरू सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी करवा रही थी। सवाल ये भी कि अगर हाँ तो फिर मकसद क्या था। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल नेशनल आर्काइव की गुप्त सूची से हाल ही में हटाई गई इंटेलिजेंस ब्यूरो की दो फाइलों से यह खुलासा हुआ है कि 1948 से 1968 के बीच सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर निगरानी रखी गई थी। इन 20 साल में 16 साल तक नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, तब आईबी उन्हीं के अंतर्गत काम करती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की गुत्थी भले ही आज तक गुमनामी की गहराइयों में गुम हो, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो की गुप्त सूची से हटाई गई दो फाइलों से जासूसी का वो जिन निकला है जिसने जवाहरलाल नेहरू की नीयत पर सवाल उठा दिए। इन फाइलों के पन्नों से प्रमाण मिलते हैं कि नेताजी के परिवार पर दो दशकों तक जासूसी का पहरा था और प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के निर्देश पर हो रही थी निगरानी। फाइलों के मुताबिक नेताजी के दो घरों पर निगहबान थी आईबी। कौन आता है, कौन जाता है, हर खत की रखी जाती थी खबर। 1948 से 1968 के बीच का ये वो दौर है जब देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी, लिहाजा गई भी। बात बड़ी हो और सियासी गलियों में शोर ना हो, ये कैसे संभव है, आप भी सुनिए। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगर आप इतिहास और भूगोल देखेंगे तो हर तरफ जो है वो काला ही काला दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो है वो हम कांग्रेस पार्टी के बहुत इतिहास भूगोल में जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ चीजें छिपी हुई हैं। उनके निधन के बाद जांच कराई होगी तो वो तो अच्छी बात है, पता लगाने के लिए कि आखिर क्या मामला था, कैसे उनकी हत्या हुई और कहाँ हुई। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का सवाल है, वो बहुत ही लोकतांत्रिक व्यक्ति थे और उनका विश्वास लोकतंत्र में था, और इस तरह की जो बातें हैं हमको नहीं लगता कि इसमें कोई तथ्य है। सब तो होना ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ विशेष तौर पर नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ है। सुभाष बाबू जो इस देश के सबसे लाडले बेटे हैं और जिनके गुम हो जाने, जिनके बारे में सूचना ना मिलने पर यह देश आज भी शोकग्रस्त है, उनकी प्रतीक्षा करता है एक तरीके से कि सुभाष बाबू के बारे में कुछ सूचना मिले, ये मेरे ख्याल से राष्ट्रवाद पर और स्वतंत्र चेतना के जितने लोग हैं उनके ऊपर उपकार होगा। और उम्मीद है कि जिस प्रकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को इन्होंने कश्मीर में बेच दिया, जम्मू कश्मीर में सौदा कर लिया, उसी प्रवृत्ति पर चलते हुए केंद्र की सरकार सुभाष बाबू के बारे में सौदा नहीं करेगी। बहरहाल, देश की फिजा में जासूसी के जिन तो पहले भी बवाल मचाते रहे हैं, लेकिन नेताजी के परिवार की जासूसी सभी के लिए सवाल बन गई है। इसलिए सवाल है कि आखिर नेताजी के परिवार की जासूसी का राज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। जी हाँ, तो खुलासा हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी कराई जाती थी। उनके पत्र से लेकर फोन आने जाने, यहां तक कि उनके घर पर भी आईबी के एजेंट निगरानी रखते थे, और ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त की नेहरू सरकार के इशारे पर। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सचमुच नेहरू सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की निगरानी रखवा रही थी, अगर हाँ तो क्यों। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि जो खुलासा है बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन इसमें सवाल ये उठ रहा है कि क्या उस वक्त वाकई नेहरू सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की निगरानी रखवा रही थी, अगर हाँ तो क्यों, क्या मकसद था।
देखिए सवाल आपका बहुत बड़ा है और आम भारतीय जो राष्ट्रवादी भारतीय हैं उनका मानना है कि कांग्रेस जो आज़ादी के बाद की कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी, उसने क्रांतिकारियों के साथ में, आज़ादी के योद्धाओं के साथ में अपमानजनक व्यवहार किया है लगातार। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े लोग नेताजी की लोकप्रियता से घबराए हुए रहते थे और उनकी लोकप्रियता से उनमें उनके अंदर खौफ था, तो यही कारण रहा होगा। अब अतीत की बात है लेकिन खौफ रहा होगा उनके मन में और इसी का परिणाम होगा कि वो जिस तरीके से उनके पीछे, उनके परिवारजनों के पीछे ये सब लगा के रखा था। सुरक्षा देना एक व्यवस्था होती है लेकिन जासूसी कराना, ये तो सच में हैरत करने वाला खुलासा हुआ है और इससे हैरत हो रही है देशवासियों को। जी सुरेंद्र राजपूत जी, और ये सिलसिला दो दशक तक चला, उस वक्त क्या मकसद रहा होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की निगरानी रखने का? गायत्री जी, ये सवाल इस वक्त उठ रहे हैं जिस वक्त आज़ादी के 67 साल हो चुके हैं, 1948 से 1968 तक की बातें हैं, कुछ फाइलें डिक्लासीफाइड हुई हैं और सारी चीज़ें होते हुए अमिताभ जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं चीज़ों को, डिक्लासीफिकेशन क्यों किया जा रहा है, कोई किसी समय सीमा की वजह से नहीं किया जा रहा है, कुछ निहित उद्देश्यों की वजह से किया जा रहा है। आज की डेट में अगर इतिहास को उठाएं तो वो लोग आज की डेट में हमें इतिहास की जानकारी दे रहे हैं और इतिहास पे हमें सीख देने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों का आज़ादी के इतिहास से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें सुभाष जी और नेहरू जी के संबंधों का पता नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता है कि नेहरू जी जब अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के तो उनकी CWC में अगर सबसे पहला कोई नाम नेहरू जी ने नामित किया था तो सुभाष चंद्र बोस नामित किए थे और सुभाष चंद्र बोस जी ने किसी कारण से उसको स्वीकार नहीं किया था, जिन्हें ये नहीं मालूम कि सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के सदस्य थे और जिन्हें ये भी नहीं मालूम है कि अगर राष्ट्रपिता को बापू किसी ने सबसे पहले कहा था तो वो सुभाष चंद्र बोस जी। तो फिर निगरानी का मकसद क्या था? अभी बात तो सुन लीजिए, मेरा एक मिनट तो पूरा नहीं हुआ ना जी, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। निगरानी का मतलब क्या है क्या नहीं है ये तो देखिए उस समय का तत्कालीन IB का चीफ बताएगा, निगरानी थी या सुरक्षा थी मुझे नहीं मालूम इस बात को, क्योंकि इस समय मैं खामखामे को, कुछ बातें राष्ट्रहित की होती हैं और कुछ बातों पर बहुत ज्यादा जिसको कह सकते हैं लंबी चौड़े ना भाषणबाजी होती है ना चर्चाएं होती हैं और ना ही इस तरीके की बात। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मामला इस वक्त किसी निहित उद्देश्य से उठाया गया है और वो उद्देश्य जो सबसे बड़ा है वो ये है कि इस समय प्लांटेड तरीके से इस चीज को उठाइए और इस समय जो देश का किसान मर रहा है, जो मोदी जी विदेश जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ मोर्चों पर विफल हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ, तो इनको राष्ट्रवादियों का राष्ट्रवाद की बात आपको सुरक्षा का लगता है, क्योंकि जो फाइलें सामने आई है उनमें तो साफ लिखा है कि जासूसी कराई जा रही थी। देखिए गायत्री जी, कि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की अटल जी की गवर्नमेंट सरकार रही और IB पूरी रिपोर्ट तब भी दे सकती थी कि चूंकि इतना पुराना मामला है। अब इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, IB के पुराने पन्ने खुल रहे हैं और इतिहास बता रहा है कि उनकी जासूसी कराई गई, तो ये किस तरीके से रिपोर्टें आ रही हैं और ये मुद्दा अभी क्यों उभरा, ये एक विशेष मामला बनता है कि इस समय क्यों मुद्दा बना। कि जिस तरीके से पूरे देश में जो ये आपदा आई, प्राकृतिक आपदा है, उस पर लगातार आप लोगों ने मुद्दा उठाया और उसका सभी प्रदेशों की सरकारों का ध्यान उस तरफ आकृष्ट भी हुआ कि कितना नुकसान हुआ, क्या है, किस तरह किसान मर रहा है, ऐसे मौके पर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही है, 200-200 रुपए, 500-500 रुपए का, 6 रुपए का, 8 रुपए का चेक बांटा जा रहा है, इन सब मुद्दों से हटाने के लिए और एक नया मुद्दा छेड़ने के लिए, देश को भ्रमित करने के लिए इस तरीके के रिपोर्ट उभर करके आई है ये हमें लगता है। और ये पहले भी आ सकता था, ऐसा नहीं है कि ये इसी समय आ सकता था, अगर पहले जाते उस मुद्दे को उठा सकते थे। लेकिन जहां तक बात है कि उनको ये सुरक्षा मुहैया कराई गई थी या जासूसी है, तो इसका स्पष्टीकरण तो IB के लोग ही अच्छे से दे सकते हैं। उन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा है और वास्तविकता क्या है, ये कई चरणों में इनके रिपोर्टें भी आती हैं, तो इसका अच्छा स्पष्टीकरण तो IB के लोग ही दे सकते हैं। और IB ने जो रिपोर्ट दी वो अभी क्यों दी, इतने सालों बाद क्यों दी,
20 साल तक जांच होती रही, उसके बाद में अभी क्यों दी उस चीज को? नहीं, आईबी ने रिपोर्ट नहीं दी, रिपोर्ट नहीं दी, सोचने वाली बात है। पायलट क्लासिफाई किए, ठीक है, ठीक है। अमिताभ जी, आईबी के अधिकारियों से जब इस मसले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये अभी भी हमारे लिए गोपनीय दस्तावेज है और हो सकता है किसी चूक की वजह से लीक हुए, यानी अभी भी उनके लिए ये मसला गंभीर था। तो क्या टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े होते हैं? देखिए, वो किसी भी समय बात बाहर आई हो, मैं हमेशा दो बातें कहता हूं, किसने बोला ये महत्वपूर्ण नहीं, क्या बोला ये महत्वपूर्ण, तथ्य सामने आया, कौन लाया, कैसे आया, वो महत्वपूर्ण नहीं, तथ्य क्या है ये देखें। और सारे साथियों को समझना होगा, आईबी सुरक्षा उपलब्ध कराने का अभिकरण नहीं है, सुरक्षा उपलब्ध कराने के अभिकरण दूसरे हैं, आईबी सिर्फ निगरानी रखती है, अब प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। ये व्यवस्था पंडित जी के समय से नरेंद्र मोदी तक लागू है। आज मैं मूल बात से व्यथित हूं, हम लोग इसको गन्ना किसान तक ले गए, बारिश तक ले गए, मैं समझ नहीं पा रहा किसी भी आजाद देश के लिए इससे ज्यादा डूब मरने की कोई बात हो सकती है कि उसका सबसे लाडले बेटे की मौत हुई या नहीं हुई, या वो गुमनामी बाबा फैजाबाद वाले के रूप में जिंदा रहा, नेहरू की शव यात्रा में शामिल हुआ, ऐसे सैकड़ों प्रसंग आपको मिल जाएंगे। क्या कोई हम लोग इतने काबिल नहीं हुए कि नेताजी के परिवार को और मुल्क को ये प्रमाण सहित बता पाए कि नहीं भाई ऐसा हुआ था? जिस आदमी ने देश के लिए कुर्बानी दे दी, और संबंधों की बात, जब पट्टा भी रमैया जीते थे चुनाव, न हारे थे चुनाव, और जो सुभाष बाबू जीते थे तो गांधी जी ने कहा था मेरी व्यक्तिगत हार है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि लो रख लो ये अध्यक्ष जी, फिर तुम ही चला लो। और एक कोट बताई देता हूं, उनका नाम मैं लूंगा, सुरेंद्र जी समझ जाएंगे, एक सज्जन अध्यक्ष बने कांग्रेस के, सुभाष बाबू ने टिप्पणी की, कपटी गुरु, धूर्त पिता और चालाक पुत्र, ये टिप्पणी की सुभाष बाबू ने, ये मतलब नहीं, उस आदमी की आत्मा का कर्जदार है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को जानने का हक है, चाहिए ये हिंदुस्तान को जानने का हक है, वो किसी भी माध्यम से पता लगे अगर ऐसा हुआ है, निगरानी की गई जो आईबी के दस्तावेज में जाते हैं, तो इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती, आजाद मुल्क में नेताजी के घर की निगरानी हो रही है। डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या ये बेहद शर्मनाक नहीं है? और सवाल ये भी है कि क्या अब मौजूदा सरकार उन तमाम प्रमाणों को, उन तमाम हकीकत को सामने लाने का काम करेगी जिसको लेकर सवाल बहुत पहले से उठते रहे हैं? नहीं, सरकार हर हालत में काम करेगी, और सरकार अपना काम कर रही है, और सरकार उचित समय पर इसको सामने लेके आएगी। और इतना जरूर कहूंगा कांग्रेस के मित्रों को, क्योंकि कांग्रेस सदैव जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती रही है, इसलिए इनको अब कोई भी स्वाभाविक भी जब कोई कदम उठाया जा रहा है, स्वाभाविक रूप से कोई बात हो रही है, तो इनको खोट नजर आ रहा है, क्योंकि खोट इनके कार्यव्यवहार में रहा है बरसों रहा है, लगातार रहा है। ये आपातकाल लगाने वाले लोग हैं देश में, तो जो लोग देश में आपातकाल थोप सकते हैं वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए। एक बात मैं कहूं सुरेंद्र भाई से, निक्सन ने इंदिरा जी को क्या भद्दी बात कही थी, ये भी डीक्लासिफाइड होके दुनिया ने जाना ना, वो तो कागज भी डीक्लासिफाइड होके दुनिया के सामने आया मित्र जी। अमिताभ जी, यहां पर हम लोगों को समझना पड़ेगा, और हम तो आप ही के ज्ञान की रोशनी में समझते हैं कि अमेरिका में एक सिस्टम है डीक्लासिफिकेशन का, कि 20 साल 25 साल या 30 साल या गोपनीय, अति गोपनीय और सुपर गोपनीय में क्या अंतर है, वहां पर एक नियम के अंतर्गत जो है डीक्लासिफाई होती हैं और समय सीमा में क्लासिफाइड होती हैं, डीक्लासिफाइड होती हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और वो अमेरिकन दस्तावेजों से जाना गया, हिंदुस्तान के दस्तावेजों से नहीं जाना गया, ये बात अपने आप में ध्रुव सत्य है और अकाट्य है। मैं वही बात कह रहा हूं, हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है, और हिंदुस्तान में समय सीमा पर डिक्लासिफिकेशन होने का कोई भी प्रमाण अब तक तो नहीं मिला, आगे कोई प्रमाण हो आपके आपकी नजर में हो तो मेरा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बात बताऊं। तो यहां पर समय सीमा पर डिक्लासिफिकेशन नहीं होता है, यहां पर डिक्लासिफिकेशन होता है सरकारों की मंशा के ऊपर, और सरकारों की मंशाएं कैसी होती है, मैं तो बहुत एक बड़ी स्पष्ट सी बात कह रहा हूं कि इतनी बड़ी बात यह है, इतने शर्मनाक की बात है, इतने सारे परेशानियों की बात है। सच्चाई है कि देश का सपूत सुभाष, इसमें तो कहीं कोई किसी को भी मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए,
लेकिन अगर उनके खिलाफ तो आज की डेट में कोई जांच बैठा ले इस समय वर्तमान की भाजपा सरकार, आज की डेट में जो जिस तरीके की भी जो जांच बैठाने हम लोग सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे पूरी तरीके से। आज की डेट में तो जांच एजेंसी इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी है, कैसी भाषा वर्तमान सरकार इनकी है, कैसी भाषा बोल रहे हैं। तो देखिए यहां पर इस जांच के लिए, इस डिक्लासिफिकेशन के समय को लेकर के प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठेंगे। और मैं आपसे बहुत खुली मांग करूं कि अगर वर्तमान की सरकार इस तरीके के काम करना चाहती है करे, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब करे तो पूर्ण रूप से जिम्मेवारी लेकर के करे। पूर्ण रूप से जिम्मेवारी लिए बगैर करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, देश को दिक्कत आएगी। ठीक है जैन साहब, क्या ये शर्मनाक नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की निगरानी, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिश सरकार की तरफ से उनकी निगरानी कराई जा रही थी, फिर उसके बाद जब देश के प्रधानमंत्री नेहरू बने उसके बाद तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की निगरानी कराई जाती रही, क्या ये शर्मनाक नहीं है? और अब मौजूदा सरकार को आगे आकर तमाम चीजों को सामने लाना चाहिए। बिल्कुल, जो है देखिए गायत्री जी, जहां पे भी आलोचना करने वाली स्थिति हुई वहां पे सबने आलोचना की। चाहे भोपाल गैस त्रासदी का जब मामला हुआ था तो कांग्रेस ने पूरी मदद की थी, भोपाल गैस त्रासदी के जो सबसे मेन एक्यूज था उसको भगाने में, उसको हेलीकॉप्टर मुहैया कराने में, और उसके बाद में जो इंदिरा गांधी पीरियड में एमरजेंसी लगी उसकी भी आलोचना की गई थी। तो जो आलोचना के जब जब ये रहा कि ये आलोचना का है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर ये इस तरीके का दुरुपयोग हुआ, और आईबी इसलिए लगाई गई थी कि नेहरू जी ने आईबी इसलिए लगाई थी कि वो एक सक्षम व्यक्ति थे उस समय सुभाष चंद्र बोस जी, और उनसे कहीं ना कहीं उनको डर था, अगर इस डर से उन्होंने आईबी का उपयोग किया, इस डर से उन्होंने लगाया, तो बिल्कुल ये शर्मसार करने वाला है। लेकिन जो आईबी का दुरुपयोग है, इंटेलिजेंस एजेंसियों का जो दुरुपयोग है, वो तब से अब तक बंद नहीं हुआ है। वो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो केंद्र में, चाहे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही हो केंद्र में, तो ये आईबी का उपयोग और जो और भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग लगातार केंद्र में बैठी हुई सरकारें करती रही हैं। ये पूरा की पूरा प्रकरण ही शर्मसार करने वाला है कि आप इंटेलिजेंस एजेंसियों को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लगा रहे हैं। तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों को नहीं लगाना चाहिए। आप देखिए तमाम सारे प्रकरण उठे, तमाम सारे जो सरकार जाती है, तमाम सारे टेप रिकॉर्ड्स लोग अपने अपने पक्ष रखते हैं कि हमारी जासूसी हो रही थी, और चीजें स्पष्ट भी हुई कि हाँ जासूसी हो रही थी। तो इसलिए इसका दुरुपयोग तब से आज तक हो रहा है, अभी भी दुरुपयोग इसका नहीं बंद हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है उस पर प्रश्न लगाती है कि गलत हो रहा था, तो कम से कम उसको जिम्मेदारी लेकर के यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इन इंटेलिजेंस एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो। देखिए, चाहे एक पल को मैं मान लूं कि केंद्र की सरकार ने विलिंगली इच्छा पूर्वक इसको जारी करा दिया तो भी इस देश में इस बात का स्वागत होता है, मैं स्वागत करूंगा। देश का इतना बड़ा सपूत, उसके परिवार पर कैसे क्यों ये निगरानी, अंग्रेजों ने निगरानी बैठाई, मेरी बात समझ में आती है। हमारी सरकार हो, हम आजाद मुल्क हैं, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर निगरानी रख के आईबी, ये कागज कहां से आया ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं, कागज में क्या लिखा ये महत्वपूर्ण है। ये कोई इससे अगर कांग्रेस ये चाहती है कि हम चीजों को वॉश आउट कर देंगे तो वो दिवा स्वप्न देख रही है, ये संभव नहीं। हर चीज बताने को तैयार हर सरकार हिंदुस्तान की, लेकिन जब जब मुकदमा हुआ, जब जब आरटीआई कानून आया, आरटीआई लगी, कोई इस पर बोलने को साहस नहीं जुटा पाया कि भाई नेताजी से जुड़े जो दस्तावेज है वो सार्वजनिक कर दीजिए। मैं मांग करता हूं, संबंध अच्छे हो बुरे हो, किसी का चेहरा काला हो पीला हो नीला हो डूब मरे, लेकिन हिंदुस्तान को बताया जाना चाहिए, वो सारे दस्तावेज सार्वजनिक होने चाहिए जो सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े हुए दस्तावेज है। क्या समस्या है? इस देश का इतना महान सपूत, उसकी मौत पर आप एक प्रामाणिक दस्तावेज नहीं जारी कर सकते? 68 साल हो गए आजादी के, कौन देश पर जान देगा जब वो देखेगा कि सुभाष चंद्र बोस के साथ ये सलूक किया, उनके परिवार ने भारत रत्न नहीं स्वीकार किया मरणोपरांत, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कि नेताजी नहीं रहे। सरकार पर शर्म नहीं, सरकार को शर्म नहीं? अजब तमाशा, और किसी के बारे में ऐसी खबरें क्यों नहीं आई कि पश्चिम बंगाल में किसी को दिखे, किसी को इलाहाबाद में जवाहरलाल जी के निधन में दिखे, किसी को फैजाबाद में गुमनामी बाबा दिखे, ये केवल नेताजी के लिए तो आई?
क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बताए साफ साफ क्या है? बार बार कहा जाता है विदेशी संबंध प्रभावित होंगे, होने दीजिए संबंध प्रभावित, नेताजी की मृत्यु का सच भारत को जानना होगा। डॉक्टर चंद्रमोहन, क्योंकि यही सवाल जब पिछले साल राजनाथ सिंह से पूछा गया था राज्यसभा में, तब उन्होंने ये जवाब दिया था कि अगर हम दस्तावेज जारी करते हैं तो इससे हमारे जो संबंध है रूस और ब्रिटेन के साथ वो खराब हो जाएंगे। जब जो बात सदन के अंदर माननीय गृह मंत्री जी ने कही है उससे इतर मैं क्या कह सकता हूं, उसके अलावा वो तो अधिकृत बात है ना। चंद्रमोहन जी, आदि यही बात गुजराल बोले, यही देवीगौड़ा बोले, यही इंदिरा जी बोली, यही राजीव जी बोले, यही बात चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप बोलते रहे, लेकिन इस देश को ये मंजूर नहीं। ये लोग देश नहीं हो सकते ना, कोई प्रधानमंत्री देश हो जाएगा क्या? आजाद मुल्क में ये बताने को कोई सरकार तैयार नहीं कि नेताजी का हुआ क्या? जैन साहब, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हो सकती है क्या आजाद हिंदुस्तान के लिए? बिल्कुल अमिताभ जी, ये बहुत ही एक कौन आजादी के लिए जान देगा, कौन जान देगा आजादी के बाद में? और नेताजी का जो, नेताजी की जो शख्सियत थी, जो स्वरूप था, उससे पूरा विश्व जो हिलता था। उन्होंने मतलब हिंदुस्तान के बाहर जाकर के जिस तरीके से एक सेना का निर्माण करने में सक्षम थे उस पीरियड में, उस भौगोलिक स्थिति में, तो उनकी शख्सियत को ध्यान में रखते हुए, और अब हम आजाद हैं और हर तरीके से सक्षम है। हिंदुस्तान कहते हैं कि हर तरीके से सक्षम है। जब हम हर तरीके से सक्षम है और आजादी के इतने साल बाद में भी हम दूसरे देशों से डर रहे हैं कि हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ जनता के बीच में नहीं ला रही बात। एक छोटा सा सवाल आपसे लेंगे, फिर सुरेंद्र भाई के पास जाएंगे, चार ही मिनट है इस सेगमेंट में मेरे पास। हमने, इंदिरा जी ने जब परमाणु परीक्षण किया तो सारे बड़े मुल्क हमारे खिलाफ हो गए, संबंध बिगड़ गए। फिर वाजपेयी जी ने किया तो भी बिगड़ गए। हमने किया ना, किया ना, बिल्कुल किया। कोई हमारी रोटी बंद कर दिया क्या? नहीं ना। तो सुभाष बाबू का सच बचा दोगे तो क्या मुसीबत आ जाएगी? बिल्कुल आना चाहिए सामने अमिताभ जी, जिस तरीके से, और ये लगातार आता रहा कि गुमनामी बाबा के नाम से थे, दाढ़ी मूछ रखा लिए थे और फिर भी कई जगह देखे गए, तो ये एक काल्पनिक, उनकी एक काल्पनिक जीवन की वो है भी नहीं भी है। इस तरीके के जो पर्दा है, ये पर्दा हटना चाहिए, सामने आना चाहिए देश का इतने महान सपूत के बारे में कि वास्तव में उनका इतिहास, जो आखिरी इतिहास था, जीवन का जो आखिरी पड़ाव था, उसमें कैसे क्या हुआ, यह बात उभर के जरूर सामने आनी। सुरेंद्र भाई, हम परमाणु परीक्षण करते हैं पूरी दुनिया को ठेंगे पे रख के, जिसको रूठना रूठे अपने घर बैठे, रानी रूठेंगी सुहाग लेंगी, ठीक है ना? दूसरा परमाणु परीक्षण करते हैं उसी अंदाज में, बोले जी प्रतिबंध लगा देंगे, भारत को घुटनों पर बैठा देंगे, कुछ नहीं हुआ, भारत फिर वहीं खड़ा है। इसी में सारा हाय तोबा क्यों भाई हर प्रधानमंत्री के लिए? मैं सारे प्रधानमंत्री गिन रहा हूं, कांग्रेस से लेके, तीसरे मोर्चे से लेके और भाजपा तक के, क्या समस्या क्या है इसी मामले में? देखिए, जिस चीज के बारे में संसद आप कहते हो, हम भी मांग करते हैं, हर आदमी को एक नेताजी का सच जानने की एक आवश्यकता है और हर आदमी एक नेताजी का सच जानना चाहता है। अमिताभ जी, आप ही के तरीके से जितने क्यूरियस आप हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे जितने साथी प्रवक्ता भी बैठे हैं वो सब भी उतने ही क्यूरियस हैं और मैं भी उतना ही क्यूरियस हूं नेताजी का सच जानने के लिए। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि सारे के सारे संसद के अंदर एक ही भाषा बोलते हैं? अब आज की डेट में जैन साहब बोल रहे हैं, आगे बढ़कर के बोल रहे हैं, जैन साहब का भगवान भला करे, लेकिन जैन साहब के भी नेताजी जो हैं देश के रक्षा मंत्री थे, उस वक्त भी ये बातें नहीं सार्वजनिक हो पाई। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी साढ़े छह साल तक सरकार चलाए, उस समय भी ये बातें सार्वजनिक नहीं हुई। जनता पार्टी की 11 महीने की सरकार चली, जनता दल की सरकार चली, चंद्रशेखर जी की सरकार चली, कांग्रेस के अलावा ये सारी सरकारें चली, ऐसी तो बात नहीं। तो संसद में अगर राजनाथ सिंह जी कोई वक्तव्य देते हैं या सरकार कोई, राजनाथ सिंह जी बात नहीं, देश के गृह मंत्री हैं चाहे कोई भी गृह मंत्री हो, जब ये लोग वक्तव्य देते हैं तो कहीं ना कहीं उस वक्तव्य का, क्योंकि संसद देश चलाती है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। आप संसदीय इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, संसदीय जो परंपराएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था का एकमत नहीं बनता इसमें को लेकर, इसलिए ये सच्चाई अभी भी पर्दे के पीछे। गायत्री जी, वक्त की कमी, आपकी बात अमिताभ जी, सारी सरकारें मिलके भी एक गलत बात बोले तो भी वो हिंदुस्तान को स्वीकार हो, ये जरूरी नहीं। लोहिया ने कहा था कि जब संसद गूंगी और बहरी हो जाए
विधायिका गूंगी और बहरी हो जाए तो सड़क पर फिर जनता को खड़ा होना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं ये कोई तर्क नहीं कि पंडित जी से लेकर मोदी जी तक की सरकारों ने एक ही रटा रटाया जवाब दिया। मैंने तो दो उदाहरण रखे, दोनों में दुनिया के सारे बड़े मुल्क हमारे खिलाफ खड़े थे, इंदिरा जी के समय भी, वाजपेयी जी के समय भी। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया ना, आखिर नेताजी में ही समस्या क्या? सब दोषी है बराबर के। जो भी आदमी भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा वो इस पाप का भागीदार है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें अपने अपनी ड्रॉर में छुपा के रखी उसने। माउंटबेटन जवाहरलाल की चिट्ठी सार्वजनिक, लेडी माउंटबेटन जवाहरलाल की चिट्ठी सार्वजनिक, दुनिया भर के सारे प्रसंग सार्वजनिक। इसी में क्या समस्या है भाई? परमाणु विस्फोट हो जाएगा क्या? विश्व युद्ध हो जाएगा क्या? ये नहीं चलेगा। नहीं, 68 साल बाद भी हम मुल्क को बताने की स्थिति में नहीं। ये जनमत संग्रह करा लीजिए कि इस देश के लोग नेताजी का सच जानना चाहते हैं कि नहीं। सरकारें पब्लिक की इच्छा से, जन इच्छा से बड़ी हो जाएगी क्या? कोई गृहमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री जनता की सार्वभौमिक कलेक्टिव जो विल है उसके ऊपर है क्या? कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक सर्वे करा लीजिए कि नेताजी का सच लोग जानना चाहते हैं कि नहीं। 10-20-50 परिवारों को छोड़ दीजिए, सब लोग कहेंगे जानना चाहते हैं। वो आदमी आज भी हिंदुस्तान के दिल में धड़कता है, वो आदमी आज भी लोगों के दिल में धड़कता है, आज भी जिंदा है वो आदमी। पर्देदारी क्यों? किस लिए पर्देदारी? क्या भारत इतना कमजोर है कि वो इस पर्देदारी के बाहर निकलकर पूरे विश्व के सामने सच नहीं रख सकता? और अगर इतना कमजोर राष्ट्र है तो फिर हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात है। मैं हैरान हूं, सारे दल सरकार में रह लिए, दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यमार्गी सब रह लिए, लेकिन किसी ने यह हिमाकत नहीं की, यह हिम्मत नहीं जुटाई। क्यों नहीं जुटाई यही प्रश्न है। क्या चाहते हैं आप? यह तर्क नहीं चलेगा कि संबंध बिगड़ जाएंगे, आरटीआई टाइप भाषा। संबंध तो इंदिरा जी ने परमाणु विस्फोट किया था तब भी बिगड़े, वाजपेयी जी ने किया था तब भी बिगड़े, और जब इंदिरा जी ने विस्फोट किया था तब तो गेहूं भी अमेरिका से आता था, गेहूं भी वहीं से आता था, उसके बावजूद भी भारत ने वही किया जो भारत को करना था। आज भी भारत को वही करना चाहिए जो भारत चाहता है, जो भारत का जन मन चाहता है। ये जनतंत्र किस लिए है? तंत्र जन के लिए है, जन मन की सुनिए। मैं मोदी सरकार से कहूंगा, सरकारें आती जाती हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री आते जाते हैं, समय की शिला पर हस्ताक्षर करके जाइए और इस दुनिया को, इस देश को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का सच बताइए। ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी जैन साहब आपका